नमस्ते, मेरा नाम अजय लखोत्रा है और मैं NSUI जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जम्मू विश्वविद्यालय का LLM का छात्र भी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा 6ठा साल, मेरे 6 साल इस विश्वविद्यालय में पूरे हो गए। मैं 6 साल से इस यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ, हर साल एडमिशन का प्रोसेस भी देखते हैं और हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, हम लोग बारीकी से नज़र रखते हैं। लेकिन पिछले साल से जो इन्होंने एक एडमिशन प्रोसेस में सिस्टम शुरू किया है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। पिछली बार भी हम लोग बोले लेकिन इन्होंने उस टाइम पे पहली बार है, ऐसा है वैसा है करके उस चीज़ को दबा दिया। लेकिन इस बार क्या है भाई, CUET आपने, आप ही गए थे ना जम्मू वाले, तो उस टाइम पे भी स्टूडेंट्स बड़े रोए थे कि आपने हमें CUET में क्यों डाल दिया, है ना। जब आपने CUET में ले आए तो हम ये पूछना चाहते हैं कि यार आप ये हमें ये चीज़ बता दो कि आपने CUET करवा लिया, स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिए, अब आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हर साल लगती थी, आप भी यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही निकले होंगे, आपको भी पता है कि चाहे एक स्टूडेंट अप्लाई करे चाहे 1000 स्टूडेंट अप्लाई करे, हर एक स्टूडेंट की जो लिस्ट थी वो नोटिस बोर्ड पे लगती थी डिपार्टमेंट में। स्टूडेंट्स आते थे, अपना मेरिट देखते थे, उनको पता चल जाता था कि मैं यार यहाँ पे फॉल कर रहा हूँ, मेरे ऊपर इतने स्टूडेंट्स हैं, मेरे नीचे इतने हैं, मेरी कंसर्निंग SC, ST, OBC, EWS अगर किसी की कैटेगरी है तो मेरी कैटेगरी मेरे से ऊपर इतने हैं, अगर इसकी एडमिशन नहीं हुई तो मेरी हो जाएगी, मेरी हुई तो इसकी नहीं होगी, मतलब पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता था। लेकिन इस बार ये लोग पिछले साल से प्रोविजनल लिस्ट नहीं निकाल रहे, क्यों, मतलब ऐसा क्या है। जब डीन एकेडमिक अफेयर को हम लोग मेमोरेंडम देने जाते हैं, मैं उनको बोलता हूँ मैम ये ऐसे ऐसे हो रहा है। पहले एडमिशन कैसे होती थी, जूट में क्या होता था, आपके 75-25 होता था, कंपोजिट स्कोर बनता था। तो इस बार क्या आप अंधों की तरह कर रहे हो, यही तो हम पूछ रहे हैं ना, इस बार क्या मेरिट पे एडमिशन नहीं कर रहे, क्या आप, मतलब इसका मतलब वही है जो हम लोग इल्जाम लगा रहे हैं, हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं आप पे, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि आप लोग धांधली कर रहे हो। मान लो दो कैंडिडेट्स हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, उसको कान में जाके बताने का काम कर रहे हो, कंग्रेचुलेशन आपकी एडमिशन हो गई। कैसे भाई, दो बच्चे हैं, एक के 90 नंबर, एक के 100 है, 100 वाला मान लो कोई मेरी तरह गरीब घर का है, 90 वाला मान लो वाइस चांसलर जी के UP से आता है, तो UP वाले को भेज दिया आपने ईमेल कि भाई आ जाए एडमिशन करवा ले, 100 वाला वेट कर रहा है, अच्छा मेरी हो सकता है एडमिशन, अभी मैरिड में मैं नहीं हूँ, क्या पता आ जाए, उसको तो पता ही नहीं है कि तेरा तो हक मार गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये आप ये धांधली करने का आपने तरीका बनाया है। आप जब बात करते हैं, दूसरा मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बोलते हैं नॉन CUET वालों को एडमिशन देंगे, मैंने इस बात पे भी बोला कि नॉन CUET वालों को इस बार क्यों देना है, पिछली बार पहली बार थी, पिछली बार बच्चों को पता नहीं था, ठीक है अच्छी बात है उनको नहीं पता था तो हमने उनके लिए थोड़ा सा लीनियंट तरीका रखा, हमने भी सपोर्ट की, ठीक है। लेकिन इस बार तो सबको पता था कि CUET हो गया, बच्चे कोचिंग तक ले रहे हैं, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गया, बहुत बड़ा बिजनेस फैल गया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब स्टूडेंट्स ने यहाँ पे, मैंने बोला मैम को, मैम बोलती हमने 3 बार डेट एक्सटेंड की, इसका मतलब बच्चे CUET देने के बाद भी वो एडमिशन लेने के लिए विलिंग नहीं है, तो NTA ने तो 5 बार की, इसका मतलब स्टूडेंट तो CUET में एंट्रेंस देने के लिए भी विलिंग नहीं है। जो स्टूडेंट वहाँ पे CUET में